ईडी ने रामगढ़ के अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 सदस्यों को किया गिरफ्तार, नकदी और जेवरात बरामद। उज्जैन में मिलावटखोरों पर प्रशासन का शिकंजा, बाथरूम से मिला 598 किलो स्किंड मिल्क, 24,675 किलो मावा जब्त। बालोद में बड़ा सड़क हादसा, ट्रक ने पिकअप को मारी टक्कर, 6 की मौत, कई लोग घायल। नैनीताल में 20 बच्चों को लेकर जा रहे स्कूल बस हुई हादसे का शिकार, टायर फटने से अनियंत्रित होकर दुकान में जा घुसी। पटियाला में गुरुद्वारा साहिब में महिला की गोली मारकर हत्या, मर्यादा तोड़ने का आरोप, एक श्रद्धालु घायल। जगदलपुर में चोरों ने एक रात में तोड़े 4 दुकान के ताले, लाखों की चोरी, जांच में जुटी पुलिस। पीएम मोदी जून में करेंगे लोकसभा चुनाव का शंखनाद, यूपी में होगी 3 रैलियां। अहमदनगर के शेव गांव में बवाल, हिंसक झड़प के बाद उपद्रवियों ने कई गाड़ियों की तोड़फोड़, 8 पुलिसकर्मी भी घायल। बिहार में तूफानी तांडव, मुजफ्फरपुर में फैली आग में जिंदा जला शख्स, कई शहरों में बत्ती गुल। राजस्थान की बड़ी हार, प्लेऑफ में पहुंचना हुआ मुश्किल, आरसीबी ने 112 रन से जीतकर टूर्नामेंट में बरकरार।